किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बढ़िया साबित होगी। धान की खेती में भी अन्य फसलों की ही तरह कीट एवं बीमारियों का हमला होता है। फसल की ग्रोथ में बाधा उत्पन्न होती है, जबकि फसल को वह सब कुछ देते हैं जो धान की फसल के लिए ज़रूरी होता है। धान में दीमक, जड़माहू, तनाछेदक, पत्ता लपेटक, हिप्सा और गंधी कीट का ज़्यादा आक्रमण होता है। वहीं बीमारियों में जड़ सड़न, तना सड़न, झुलसा, हल्दी बीमारी का ज़्यादा आक्रमण होता है। बीमारियों का प्रकोप फंगस और जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं या पौधे से रस को चूसकर बेजान बनाने का कार्य करते हैं। कीट और बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे करना जरूरी हो जाता है। यह पूर्णतः रासायनिक होते हैं, इसलिए यह मिट्टी और फसल को जहरीली बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ तक कि फसल पर काफ़ी लागत भी बढ़ जाती है। वर्तमान में किसान पूर्णतः रासायनिक खेती करते हैं। काफ़ी कम किसान हैं जो रासायनिक चीज़ों को डालने के साथ ऑर्गेनिक चीज़ों को भी डालते हैं। जिन कीट और बीमारियों के लिए हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए हम चाहें तो काफ़ी कम पैसे में अपने घर पर ही कीट और बीमारियों के लिए दवा तैयार कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से धान की फसल से कीट और बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह किसी भी तरह से आपकी मिट्टी और फसल को जहरीली भी नहीं बनाएगा। तो चलिए किसान भाइयों, उस चीज़ के बारे में जानते हैं जिसका इस्तेमाल कीट और बीमारियों के लिए करना है। किसान भाइयों, आपको लेनी है प्रति एकड़ 500 ml नीम का तेल और 2 किलो फिटकरी और 5 से 6 किलो खेत की भुरभुरी मिट्टी। फिटकरी को खूब बारीक पीस लें, उसके बाद तीनों को खूब अच्छी तरह से मिला लें। तीनों को मिलाने के बाद एक बढ़िया मिक्सर तैयार हो जाएगा जो एक एकड़ धान की फसल के लिए पर्याप्त होगा। अब देना कैसे है यह जानते हैं। तो यदि आपकी फसल में दीमक, तनाछेदक, जड़ सुंडी, जड़ सड़न, तना सड़न आने की संभावना हो या आने की शुरुआती लक्षण दिख रहे हों, तो तैयार दवा को छिट्टा लगाकर फसल को दें। खेत में यदि अच्छी नमी है या पानी भरा हो तो अलग से फसल को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि खेत में नमी नहीं है तो इस मिक्सर को डालकर पानी लगा दें। इसका इस्तेमाल बिल्कुल रिजेंट की ही तरह करना है। इसका असर भी फसल में लंबे समय तक बना रहता है। डालने के बाद किसी भी तरह के कीट या बीमारियों का हमला आपकी फसल में नहीं होगा। यदि कीट और बीमारियों का हमला हो गया है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। किसान भाइयों, नीम के तेल में कड़वापन होता है जिससे यह कीटों पर असरदार होता है। नीम के तेल में अजाडायरेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कीटों के सभी चरणों को प्रभावित करता है। यह 100 से अधिक कीटों की रोकथाम करने की क्षमता रखता है। जिस खेत में हम नीम के तेल का प्रयोग कर देते हैं तो उस खेत से कीट और बीमारियाँ दूर भागती हैं। फिटकरी के भी सैकड़ों लाभ हैं। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। यह फंगस एवं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। यह फसल की जड़ों के पास जाकर जड़ को फफूंद मुक्त करता है जिससे जड़ों का बेहतर विकास होता है। अधिक पोषक तत्व पाने के कारण फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। यह जड़ सड़न, तना सड़न जैसी गंभीर बीमारियों को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। किसान भाई, यदि आप धान की खेती करते हैं और कीट और फंगस से परेशान हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से इन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीम का तेल और फिटकरी का कॉम्बिनेशन बनाकर फसल को दे सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को सिंगल या किसी खाद के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, वो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।